नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बालोद जिले के डोंडी लोहारा जनपद पंचायत के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री के गृहनगर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव मरिया कट्टा, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रोड निर्माण में रोड ठेकेदार के द्वारा रोड निर्माण में गुणवत्ताहीन सामग्री परोसे जाने व रोड निर्माण में लापरवाही बरतने के मद्देनजर ग्रामवासियों ने निर्माण कार्य को बंद कराकर रोड पर 3 दिनों से हड़ताल पर बैठ गए हैं। वह सरपंच सीमा मंडावी के नेतृत्व में गांव के बुजुर्ग, युवा व महिलाओं ने कलेक्टर जनदर्शन में भारी भीड़ सहित जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा को सारी समस्याओं से अवगत कराया और रोड निर्माण में हो रहे गुणवत्ताविहीन सामग्री और ठेकेदार की मनमानी की बात को सामने रखा, जिसे जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने गंभीरता से संज्ञान में लेकर अधिकारी व ठेकेदार को निर्देशित कर रोड निर्माण में गुणवत्ता व शीघ्र रोड निर्माण में हुए लापरवाही और रोड को गुणवत्ता के साथ निर्माण करने के आदेश दिए और कुछ ही दिनों के बाद गांव मरिया कट्टा में ग्रामीणों के सामने रोड निर्माण कार्य शुरू हुआ व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के अधिकारी इस कार्य को गुणवत्तापूर्ण कार्य इस दिशा में लगे हैं और निरंतर क्षेत्र व गांव में अधिकारी रोड निर्माण को लेकर गंभीर हैं और गांव की महिलाओं को भी रोजगार दिलाकर इस दिशा में कार्य हो रहा है। ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा रही है और डामर सहित उच्च क्वालिटी की सामग्री पर ध्यान दिया जा रहा है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के सतत निगरानी व जिले के सभी लंबित कार्यों को कलेक्टर के दिशा निर्देश में बेहतरीन रूप दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रोड निर्माण में हुए लापरवाही और गुणवत्ता विहीन पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कभी सुध नहीं लिए और हमेशा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व मंत्री प्रतिनिधि को अवगत कराया पर आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। पर ग्रामीणों ने कहा कि हमारी बातों को प्रमुखता के साथ जिले के कलेक्टर ने सुना और हमारी समस्याओं के निराकरण करने के निर्देश दिए और कुछ ही दिनों बाद मरिया कट्टा के ग्रामीणों को नया रोड बनकर मिलेगा, क्योंकि उखड़े गिट्टी और बेकार रोड से ग्रामीण हलाकान थे। स्कूल में अध्ययन करने आते छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था व रोज़ बेरोजगारों को रोजगार की तलाश व गांव के ग्रामीणों को रोजाना रोजमर्रा व शासकीय कार्यों में नगर मुख्यालय लोहारा आना होता था और रोड निर्माण के बाद ग्रामीणों को सहूलियत होगी और ग्रामीणों ने जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा का आभार माना।